जो है यहाँ पे पहुंचे हैं, जिसने आंदोलन लड़ना सिखाया है हिंदू प्रतिनिधि जो यहाँ 30 जी जो प्राइवेट एसोसिएशन के प्रधान है, तो विशेष रूप से धन्यवाद जो है सामाजिक संगठन मंच की तरफ से, क्योंकि इन्हीं के भविष्य का सवाल है। वो जहाँ पे आए हैं इस आंदोलन का हिस्सा बने, उन सभी का यहाँ पे जो है जोरदार स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार एजेंडा समझने की जरूरत है जी, आप क्यों इकट्ठे हो यहाँ, डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसकी गाइडलाइन है लॉकडाउन के बारे में। डब्ल्यू एच ओ न्यू कह है लॉकडाउन आखिरी हथियार होना चाहिए, पहला नहीं। पहले लोगों को जागरूक करो, अपने अपने के कराओ और हथियार ही नहीं, अपने अपने लॉकडाउन के नारे को हथियार ही नहीं भाई यहाँ पे। फिर डब्ल्यू एच ओ जे लॉकडाउन करना है पड़ जाए, सबसे आखिर में लॉकडाउन होने चाहिए शिक्षा, अपने सबसे पहला करें। डब्ल्यू एच ओ की गाइडलाइन है सबसे पहले लॉकडाउन को खोलते हुए शिक्षा को खोलो, अपने खोलते ही नहीं। इस टाइम में बताओ सिर्फ स्कूल से नारक के बंद है, पूरा आसपास करें दिखा करें लॉकडाउन, फिर आधे चल चल के आए करें लॉकडाउन दिखा। लॉकडाउन की चिड़िया जो है हमने नहीं समझ में आई, वह कड़ा बैठी है, स्कूल बंद कर दे सबसे पहला। आंदोलन चलाया है उस अनुशासन के साथ, हम एक दूसरे के पीछे प्रदर्शन करते हुए नारे लगाते हुए एक साथ चलेंगे, किसी ने भी कोई धक्का धुक्की नहीं करनी है। बड़े आ रहा जो है वो ज्ञापन सौंपा जाएगा, इसलिए आप सभी अनुशासन बनाए रखे, थोड़ी ही देर में जो अपना काफिला अपना प्रदर्शन है यहाँ से निकलेगा, अनुशासन का आप सभी ध्यान रखें। और बेट लाइन में जो अपना काल का प्रदर्शन था इसके ऊपर मैं आप सबके बीच में बोलना चाहूंगी, और ठीक है आगाओ करना है, वो प्रोटेस्ट करना है, बाकी जो हमारी डिमांड है उनको सरकार थोड़ा सहयोग ले। चलो जी तो सभी चाहते हैं बंद रखकर रखो, सभी आ जाइए सर, करना बंद
जिनकी अपने बच्चों की चिंता है वो आज तक एक राज्य है विक्रम राजा जिसके पास भी जो भी राज्य ने उन्होंने सभी दुआएं किए करते हैं जाते हैं और ये जो है ग्रेजुलेशन है हाँ वैक्सीनेशन है ये ग्रेजुलेशन है जिसको